बच्चा निकला हुआ था, ये आधा बच्चा, ये देखें ये बच्चे का प्रोसेस है, ये देखें। ये अंडे खराब हो चुके हैं, चार अंडे, मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखें, इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं है, ये देखें। माशाल्लाह जी, जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और लाइक भी क्या करें वीडियोस को, शेयर भी क्या करें अपने दोस्तों के अंदर, अपनी फैमिली मेम्बर के अंदर। तो माशाल्लाह जी, सुबह का टाइम है और जुमा मुबारक तमाम दोस्तों को। जुकाम की वजह से बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि आप तक तो वीडियोस पहुँचानी है ना, तो लाइक शेयर लाजमी क्या करें यार। तो मैं लेके आया था बाजरा, तो नीचे देखें मेरे पास ही आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको पता तो है मेरी मुर्गी मर गई है, एक अंडों में बैठी हुई थी, तो अंडे मैंने रखे हुए हैं कपास के अंदर। तो देखते हैं उनका आज रिजल्ट क्या आया है। मुझे नहीं लगता कि बच्चे निकले, लेकिन देखते हैं, कोशिश तो की हुई है कि बच्चे निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता बच्चे ऐसे निकलेंगे। तो अभी तो इनको दाना पानी डालता हूँ अपने छोटे परिंदों को, ये जो ये दूसरे वाला मुर्गा जो है ना, ब्लैक वाला, ये उनको नहीं खाने देता, ये इसको अलहदा इधर डालूँ ताकि कुछ वहाँ पे खाए और कुछ यहाँ पे खाए। वो देखे ना, कुछ सबको नहीं खाने देता, ये अब यहाँ पे खा रहा है और वो वहाँ पे खा रहा है। तो आप इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन वो इधर फिर आ गए, देखो कभी उधर कभी इधर। इनको भी डाइट जो है ना रख दी है आगे ताकि ये खाएं। ये मेरे पास आ रहे कुछ लेके आया है, तो सब इनको डाइट देता हूँ ना सुबह सुबह। तो आज मैंने डाइट बना के नहीं दी, नहीं खिलाई, तो मेरी तरफ देखे ही जा रहा है कि मुझे डाइट देगा। अभी मैंने इनके आगे आज सब्ज चारा रखा है ताकि ये सब्ज चारा खाएं। अब सब्ज चारा खा रहा है, लेकिन मेरी तरफ ये लाजमी देखेगा क्योंकि ये कहता है कि मुझे अभी डाइट खिलाएगा। ये देखे इधर आ गया, फिर वो खा यार सब्ज चारा खा आज, ठीक है, ये आपके लिए चारा है। इनको खिला खिला के थक गए, अभी तक इनका रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। ये अभी तक ना तो बोली है, डॉक्टर की भी मेडिसिन खिला खिला के इसको थक गए हूँ, लेकिन अभी तक बोल नहीं रही। तो अभी जो है ना, इसको घर वाले बोलते हैं कि देसी दवा खिलाओ, ताकि देसी दवाओं से इसको हीट आएगी, फिर जाके बोलेगी, फिर आपने जो है ना इंजेक्शन रखवाना है। तो अभी देखते हैं इसको दवाई खिलाएंगे, और वो भी खड़ी हुई है एक, हमारी भैंस जो दूध दे रही है वो माशाल्लाह कमज़ोर है, तो इसको भी जो है ना खल बिनोला लगाया हुआ है ताकि थोड़ी सी मोटी हो जाए। जो परिंदे हैं इनको भी बाजरा डाला था मैंने, वो अभी इन्होंने जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए। तो जो मेरे वाली मुर्गी थी ना, अंडे देखते हैं, चेक करते हैं आया कि अंडे सही हैं या ख़राब है। तो आपको अंडे दिखाता हूँ, मैं चेक कराता हूँ। इधर मैंने जो है ना अपने अंडों को छुपा के रखा था, तो ये देखिए, ये ऊपर भी बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर डाली हुई हैं, ये पास के अंदर छुपा के रखे थे, देखते हैं क्या होता है इनका। देखिए वैसे के वैसे रखे हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इनमें से, तो ये तो सही है, छुड़क तो नहीं रहा, ये छुलक रहा है, ये खराब हो चुके हैं। घर वाले मुझे बोलते थे कि सर्दियों के अंदर आपने बच्चे नहीं निकलवाने, क्योंकि सर्दियों में बच्चे नहीं निकलते, तो मेरी जिद थी। तो अंडे वैसे ख़राब हो चुके हैं, देखिए आप, तो क्या कर सकते हैं। बच्चा निकला हुआ था, ये आधा बच्चा, ये देखें, ये बच्चे का प्रोसेस है, ये देखें, ये मैंने अपने हाथों से ये मार दिए। तो अफसोस हो रहा है यार, मेरे अंडे ख़राब भी हैं और कुछ अंडे सही हैं। तो जो अंडे सही हैं मैं उनको फिर दोबारा से जो है ना अच्छे तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनको अच्छे से हीट आए और बच्चे निकलने की कोशिश और कर रहा हूँ कि बच्चे निकलें। तो ये चार अंडे तो अभी ख़राब हो चुके हैं, अब जो बाकी बच्चे हुए हैं देखते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं कि नहीं निकलते, क्योंकि अभी इनको हीट आएगी तो फिर जाके बच्चे निकलेंगे। ये मेरे हाथ से नीचे गिरा है, तो ये देखें ये बच्चा, ये पूरा बना हुआ था, देखें, तो मेरे हाथ से गिरा है, तो ये मसला हुआ है। अभी कपास में दोबारा से दे रहा हूँ अंदर, ताकि हवा वगैरह ना जाए, नमी वगैरह, जिस तरह तो गर्माइश हो, तो अंडों में से बच्चे निकले।
तो अभी जो है ना इधर कपास से इसको भर देता हूँ, ऊपर नीचे से कवर अप कर देता हूँ। ये बच्चे अंडे मेरे जो है ना सही सलामत है माशाल्लाह, ये चुलक भी नहीं रहे, इनमें से बच्चे हैं। तो एक अंडा टूटा है जैसे वहां पे वो बच्चा, उसके रख देता हूँ, अल्लाह करे कि बच्चे निकल आए अच्छे तरीके से, अंदर जाए बच्चे निकले, हवा वगैरह ना जाए, थोड़ी सी गर्म भी हो। देखते हैं ये मेहनत मेरी कामयाब होती है कि नहीं, इसको मैंने अच्छे तरीके। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपने पहले भी देखा है कि जिस तरह मेरे हाथ से एक अंडा गिरा है ना, तो बच्चा उसके अंदर बना हुआ था। तो अभी दोबारा से मैंने कवर अप करके रख दिया है, देखते हैं कि बच्चे निकलते हैं कि नहीं निकलते। वैसे प्रोसेस हो चुका है बच्चों का, बच्चे बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये अंडे खराब हो चुके हैं, चार अंडे, मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए, इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं है, ये देखिए ये सारे के सारे वैसे के वैसे अंडे हो जैसे हैं। ये देखिए ये देखिए, ये खराब है, पूरा अंडा अंडा बना हुआ है। ये देखें ये अंडा देखें, ये बिल्कुल ही देखें ये खराब हो चुका है, ये भी इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं हुआ। ये देखें ये अंडा भी, ये सारा अंडे के खराब हो चुका है। एक अंडा मेरे हाथ से गिरा है ना, तो वहाँ पे बच्चा आपको दिखाया मैंने, उसके अंदर बना हुआ था। तो बाकी मैंने जो खराब अंडे थे वो निकाल के आपके सामने दिखाया है, आपको तोड़े हैं, तो वैसे खराब अंडे थे। तो जो बाकी अंडे सही हैं उनको मैंने दोबारा कपास के अंदर, रुई के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से कवर अप करके रख दिए, ताकि बच्चे निकलें। तो आप भी दुआ करें बच्चे निकलें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।